हेलो फ्रेंड्स, मैं जैन आपको अपने चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम कहता हूं। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, स्किन रफ हो रही है, ड्राई हो रही है, स्किन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके लिए आप डिफरेंट तरह के मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत ऑसम, एक बहुत मार्वलस एक होम रेमेडी। फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी के यूज से आप देखिएगा कि आपकी स्किन पे कितना ज्यादा निखार आएगा, आपकी स्किन पे कितना ज्यादा ग्लो आएगा, आपकी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल हो जाएगी, लाइक बेबी सॉफ्ट स्किन जो होती है ना, बच्चों की तरह की खूबसूरत और नर्म मुलायम स्किन होती है, वैसी आपकी स्किन हो जाएगी। और आपको वो यूज करने के बाद, ये होम रेमेडी यूज करने के बाद, आपको कोई मॉइस्चराइजर, कोई इसी तरह की लोशन, कोई इसी तरह की कोई भी चीज आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उसी एक चीज से आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा निखार, बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा। ये जो लोशंस होते हैं, मॉइस्चराइजर्स होते हैं, इनसे आपकी स्किन तो मॉइस्चराइज्ड हो जाती है, नर्म हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन इनसे इनसे आप यूज से आपके चेहरे पे निखार नहीं आता, आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मैं आपके लिए होम रेमेडी लाया हूँ फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी के यूज से आपकी स्किन पे ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी, और बेपना आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा निखार, बहुत ज्यादा फेयरनेस आएगी। फ्रेंड्स, ये जो होम रेमेडी है, इसमें मिल्क प्रोटीन शामिल है, इसमें गुड फैट्स शामिल है जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, इसमें विटामिन्स शामिल हैं जो आपकी जो स्किन को डीपली न्यूरिश्ड करते हैं और आपकी स्किन को दमकता हुआ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको आज की इस चेहरे को खूबसूरत बनाने वाले, चेहरे को बेपना निखार लाने वाले, चेहरे पे बेपना ग्लो लाने वाले होम रेमेडी के बारे में बताऊं, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन का बटन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको आपके चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को, आपके चेहरे के रंगत को गोरा बनाने के लिए, आपके चेहरे पे निखार पैदा करने के लिए होम रेमेडी के बारे में बताया था, तो फ्रेंड्स उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके लिए आपको ये चाहिए, ये बादाम की खल है। बादाम की खल आपको किसी भी पंसारी शॉप पे इजीली मिल जाएगी। ये आपको या तो आप जो होता है ना, ये जिस तरह डली शेप में होती है, आप डली शेप में ले लें। अगर पाउडर शेप में आपको ये नहीं मिलती, तो आप जो खल होती है बादाम की, वो आप लेके घर में हावन दस्ते में या ग्राइंडर में पीस लें, वो इजिली पीस जाएगी। साथ में फ्रेंड्स, आपको इसका दूसरा जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये चाहिए होगी दूध की बालाई। फ्रेंड्स, ये दो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूं कि आपने इसे बनाना किस तरह है। फ्रेंड्स, आपने इसे बनाना इस तरह होगा कि आपने इसका पेस्ट बनाना है। ये आपने इतनी क्वांटिटी में आपने इसमें बादाम की खल ली है और आपने इसमें ये दूध की बालाई ये लेनी है आपने। ये इतनी क्वांटिटी में आपने लेनी है कि ये एक मिक्सचर जो होता है ना, पेस्ट टाइप ये बन जाए। फ्रेंड्स, ये देखें, ये दूध की बालाई और बादाम की खल का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। या आपने इस तरह क्रीमी शेप में बनाना है, ना तो आपने इसे बहुत ज्यादा थिक बनाना है, ना ही आपने इसे लिक्विड टाइप बनाना है, आपने इसे जिस तरह क्रीमी शेप, उतने क्रीमी शेप में बनाना है। अब मैं आपको इसको फेस पे अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि आपने इसे फेस पे किस तरह अप्लाई करना है। दूध की बालाई, जो नॉर्मल दूध की बालाई होती है, थिक वाली दूध की बालाई, और आपने इसमें बादाम का खल, दो चीजें आपने डालनी है, और इन दो चीजों के यूज से आपके चेहरे पे बहुत खूबसूरती निखार और आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप इसे फेस के साथ साथ अपने बाजुओं पे, हाथों पर, या वट एवर बॉडी के किसी हिस्से पर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगा कि आपने इसे लगाना किस तरह है। लगाना फ्रेंड्स आपने इस तरह होगा, दिन में या रात में किसी भी टाइम में आपने इसे फेस पे लगाना है। थोड़ा सा आपने इसका मसाज करना है, इसकी थोड़ा सा रब करना है, देन आपने इसे थोड़ी देर से छोड़ देना है, और उसके बाद आपने इसे थोड़ी देर बाद, इसे जब ये सूख जाता है, जब ये ड्राई हो जाता है, उसके बाद आपने इसे पानी से, जो नॉर्मल सादा पानी, उसे आप धो देना। सोप यूज ना कीजिएगा, सोप आप उसके कम से कम 1 से 2 घंटे बाद यूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह आपने अपने फेस पे इसे अप्लाई किया, ये इस तरह आपने इसे अपने फेस पे, ऑल ओवर फेस पे लगाया।
फ्रेंड्स, इसका बहुत स्मूथ क्रीमी टेक्सचर है। लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप हेल्थ एंड ब्यूटी के किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।